Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. Hi दोस्तों, welcome back. आप हैं अनिकांत के साथ AAA Ace Accounts with Anikant पर. हम पढ़ रहे हैं Admission of a Partner और अब हम आ चुके हैं उन questions पर जहां पर capital adjustment होता है. आज के particular video session में हम ऐसा question करेंगे जिसके अंदर नया partner proportionate capital ला रहा है, मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल डिटरमाइन की जाएगी. कैपिटल हमें आगे से नहीं बता रखी होगी. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो नया पार्टनर है अपनी प्रीमियम का अमाउंट कैश में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है. टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, हर सिचुएशन में इससे पहले जब भी नया पार्टनर अपनी प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आ पाता था तो हम एंट्री कर देते थे उनके कैपिटल अकाउंट से, यानी हम कर देते थे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर अगर नया पार्टनर अपनी प्रीमियम का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर, तो आपको अगर वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट को डेबिट करना है. यानी यहां पर एंट्री डलेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट. बाकी कोई भी इशू नहीं है, बाकी बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व होगा. एक बार कैपिटल अकाउंट बैलेंस किए जाएंगे फिर हम वर्किंग नोट बनाकर नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एक्स एंड वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है. बैलेंस शीट दे रखी है दोस्तों. बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फॉर कंटिजेंसी दे रखा है. नाम नया होने से काम नहीं बदलता है, वही एक नॉर्मल रिजर्व. इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उनके पुराने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. नीचे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड. एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर लाइबिलिटी दे रखी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे. लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो 6000. बैलेंस शीट के अंदर जो फंड है वो है 15000 का. तो 6000 की लाइबिलिटी प्रोवाइड करने के बाद जो फंड बचेगा वो पुराने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा. बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है या एक्युमुलेटेड लॉस है पुराने पार्टनर्स के बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसे डेबिट कर दिया जाएगा. पुराने पार्टनर्स की कैपिटल इस एक्युमुलेटेड लॉस से रिड्यूस कर दी जाएगी. एसेट साइड में और कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटी साइड के अंदर भी और कुछ नहीं है. आगे देखते हैं क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं. जेड वॉज अनेबल टू ब्रिंग 12,000 as a share of goodwill in cash. तो ये जो ट्रीटमेंट होगा ये करंट अकाउंट से किया जाएगा. क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आएंगे, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट में प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश होती है तो उसका ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से किया जाता है. ये बात आप याद रखिएगा. आगे देखते हैं दोस्तों और क्या कह रखा है. आगे बता रखा है कि डेटर्स वर ऑल गुड, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड. तो ये 2000 का जो प्रोविजन हमने बना रखा है इसे हटाना पड़ेगा, अब रिक्वायर्ड नहीं है. तो रिवैल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा ये. आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है. स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय 2000, तो स्टॉक को 2000 से रिड्यूस करना है. रिवैल्यूशन के डेबिट में लिख देंगे स्टॉक. एंड प्लांट वॉज वैल्यूड एट 43,500. बैलेंस शीट के अंदर प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 की, इसे 43,500 पे वैल्यू क्या है, यानी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इसे भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लिख देंगे. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो चलिए, कोई भी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ. प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात कहें तो सिंपल सा है. ओल्ड का रेशियो दे रखा है, न्यू का शेयर दे रखा है, केस वन है, यानी सेक्रीफाइजिंग रेशियो एस एक्स और वाई के बीच में 2:1 ही हो जाएगा. तो हमें कैलकुलेट करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है उसको. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं प्रिपेयर कर लेता हूं. रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो दे रखा है वो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, बट उसके लिए मुझे रिवैल्यूएशन में कोई भी इंपैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर और क्लेम सिर्फ 6000 का है. डेटर्स सभी गुड हैं तो पीबीडीडी को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ले जाया जाएगा. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पीबीडीडी है 2000 का, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैं लिख देता हूँ. आगे देखते हैं और क्या दे रखा है. स्टॉक वॉज रिड्यूस्ड बाय 2000, तो टू स्टॉक, स्टॉक को 2000 से कम करना है तो यहाँ लिख देता हूँ. आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है. प्लांट को वैल्यू करना है 43,500 पे, तो वैल्यू कम हो रही है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर प्लांट 48,000 का दे रखा है. तो 48,000 माइनस 43,500 वैल्यू रिड्यूस हो रही है 4500 से. और आगे रिवैल्यूएशन के अंदर और भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है.
तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को दोस्तों बैलेंस कर दिया जाएगा और जो भी लॉस आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजा जाएगा। सिर्फ पुराने पार्टनर इसे बेयर करेंगे अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 6500 आ रहा है डेबिट में और 2000 से 2000 कैंसिल हो जाएगा, 4500 का रिवैल्यूएशन का लॉस है, काफी सिंपल सा। अब हम प्रिपेयर करते हैं दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिना किसी देरी के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर का अपना एक कॉलम एक्स वाई एंड जेड। चलिए इसे मैं लिख देता हूं एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, राइट दोस्तों। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 60,000 and 27,000। जेड का कोई भी बैलेंस नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन सबसे पहले कंटिंजेंसी रिजर्व है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, वो है 12,000 रुपीज का। पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, उनका रेशियो है 2:1, 2+1 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 4 2 8 एंड 4000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे बैलेंस शीट में गिवन रिजर्व का। इसके बाद बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15 का है पर इस पे 6 का क्लेम है, 9000 का रिजर्व फ्री है, तो 9000 डिवाइड बाय 3 इज 3, 6000 एंड 3000 रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और बचा हुआ जो क्लेम लगा है हमारे रिजर्व पर 6000 का, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। बैलेंस शीट की एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट दे रखा है तो उसे भी राइट ऑफ करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 6000 का, 6000 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, 4000 एंड 2000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने राइट ऑफ कर दिया, पुराने पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा, नए पार्टनर का इसमें कोई भी शेयर नहीं होगा। बैलेंस शीट पूरी साफ कर दी है दोस्तों। अब रीवैल्यूएशन की बात भी कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में 2 रीवैल्यूएशन 4500, 4500 डिवाइड बाय 3 इज 1500, 1500 इंटू 2 इज 3000 एंड 1500। ये रीवैल्यूएशन का लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद बचता है नए पार्टनर का प्रीमियम, वो प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, इसी एडजस्टमेंट के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसे हम भेजेंगे उनके करंट अकाउंट से, बाय जेड्स करंट अकाउंट। प्रीमियम जो उन्हें लानी है दोस्तों उसका अमाउंट दे रखा है हमें 12,000 का, और ये 12,000 एक्स और वाई के बीच में उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बढ़ जाएगी, क्योंकि केस वन है तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो और न्यू रेशियो सेम होगा और ओल्ड रेशियो भी सेम होगा, तो 2:1 है 3, 12,000 डिवाइड बाय 3 इज 4, 8,000 एंड 4,000 इनकी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी। ये 8,000 एंड 4,000 में क्रेडिट कर देता हूँ। जर्नल एंट्री में याद दिला दूं दोस्तों, डल रही है जेड्स करंट अकाउंट या टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाईस कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में कोई भी इंपैक्ट नहीं देना है क्योंकि डेबिट करंट अकाउंट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट नहीं हो रहा है, तो टू एक्सेस कैपिटल एंड टू वाईस कैपिटल हमें नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने अभी तक कैपिटल को छोड़ के सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, तो एक बार इस कैपिटल को बैलेंस किया जाएगा तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितनी आती है। उसके बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करके जेड की कैपिटल निकाली जाएगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। 8 + 6 = 14, 74,000 + 8,000 = 82,000, 82,000 माइनस 7,000 कैपिटल बचती है एक्स की, 75,000। लेट्स कैलकुलेट फॉर वाई, 4 + 3 = 7, 7 + 7 = 14, 34,000, 34 + 4 = 38,000, 38,000 माइनस 3,500, 34,500 आती है वाई की, और जेड की कैपिटल नहीं दे रखी है। तो चलिए अब एक बार टोटल लिख देते हैं, फॉर्मेलिटी है फटाफट से, 82,000, 38,000, जेड की कैपिटल तभी कैलकुलेट करनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल के बैलेंसेस फिर से नीचे उतारे जाएंगे, 75,000,
34,500 और जेड में हम डाल देंगे डैश। अब कैलकुलेट करते हैं कैपिटल हमारे नए पार्टनर की। उसके लिए बोला हुआ है जेड वॉज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सिंपल सा बोला, प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं बोला दैट मच परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, ऐसा नहीं बोला। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब जेड टोटल कैपिटल का एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आएंगे। उसके लिए मुझे पहले टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। एक वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है जिसे मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ जेड्स कैपिटल। देखिए जेड्स शेयर इन प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में मेंशनड है। जेड आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो जेड्स शेयर है 1/4। देयरफॉर कंबाइंड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, कंबाइंड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी 1-1/4 which is equal to 3/4. Combined share of x and y would be 3/4. अब इनकी कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x एंड y फॉर 3/4 शेयर would be equal to, इनकी combined capital कुछ भी नहीं करना है, total लगानी है बस। जो balancing figure आ रहा था partners capital account में 75 and 34,500, so 75,000 plus 34,500, 25,000 plus 34,500 which is equal to 1,09,500, 1,09,500 आती है 3/4 share के लिए। therefore प्रोपोर्शनेट टोटल कैपिटल, कितनी टोटल कैपिटल होनी चाहिए। देखिए टोटल कैपिटल का 3/4 एक्स और वाई की कैपिटल अगर रिप्रेजेंट करता है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 1,09,500 इनटू 4/3। मैं इसे अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखिए फिर इस वीडियो पे आइएगा। 1,09,500 डिवाइड बाय 3 इनटू 4, तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 1,46,000 की। ये टोटल कैपिटल हमारी फर्म की होनी चाहिए दोस्तों, 1,46,000 की, राइट। अब यहां पर हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। नए पार्टनर का हमारे नाम है जेड, सो जेड्स कैपिटल वुड बी इक्वल टू 1,46,000 का, ये टोटल कैपिटल है इसका, वो लेकर आएंगे 1/4 शेयर इनका बनता है, divided by 4 which is equal to 36,500। आप स्ट्रेट अप ऐसा कर सकते थे, एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल, आप सीधा भी ऐसा कर सकते थे, फॉर्मूला लगा सकते थे एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल, बट वो फॉर्मूला रटना होता, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर, सीधा ये भी कर सकते थे। तो एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल जो है दोस्तों वो है, अभी पता चली थी हमें 1,09,500, तो 1,09,500 इनटू ओल्ड पार्टनर्स के कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल, तो वो 3/4 है, 3/4 का रेसिप्रोकल इज 4/3 इनटू पार्टनर का जो शेयर है वो है, नए पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/4, इससे भी 36,500 ही आती। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे एग्जाम में, टू सेव सम टाइम। एग्जाम में आप शॉर्टकट जरूर फॉलो करिए, बट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो नए पार्टनर की कैपिटल आ रही है 36,500 की, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय कैश, वो कैश में लेकर आ रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि कैश में नहीं ला रहे हैं। 36,500 की उनकी कैपिटल आ जाएगी और टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम बना देंगे बैलेंस शीट। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल वैसी ही रहेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी पीएसआर में रहेगी, तो पहले मैं टोटल कैपिटल निकालूंगा फिर उसे न्यू पीएसआर में बांट दूंगा। तो टोटल कैपिटल तो 146 आ रही थी, अब इसे न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें पता है दोस्तों, हमने सीख रखा है पहले। अगर नहीं ध्यान है तो इसी चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं दोस्तों, जाइए देखिए, अच्छा लगे तो वहाँ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गए, अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम। बैलेंस शीट
आफ्टर एडमिशन लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर ऊपर दे रखा है बैंक बैलेंस, तो बैंक यहाँ लिख देते हैं। बैंक का अमाउंट है 18,000 का। 18,000 में दोस्तों अभी हमें ऐड करनी है नए पार्टनर की सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। 18,000 का बैंक बैलेंस था। प्रीमियम वो कैश में नहीं ला रहे हैं, देखिए हमने करंट अकाउंट से किया। कैपिटल वो ला रहे हैं 36,500 की, और कोई एडजस्टमेंट कैश में नहीं हो रहा है। तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा 54,500 रुपीज़ का, बिल्कुल सही। इसके बाद चलते हैं ऊपर, देखते हैं डेटर्स। डेटर्स के अंदर अब पीबीडीडी रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा बोला था, तो पूरे डेटर्स आउटर कॉलम में आ जाएंगे 45,000 के। तो पूरे डेटर्स आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 45,000। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कह रखा है। डेटर्स के बाद स्टॉक है दोस्तों 30,000 का, तो मैं स्टॉक लिख देता हूँ। स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट था शायद, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेते हैं। स्टॉक 2,000 से कम करना है दोस्तों, तो 30 की जगह 28 पे स्टॉक आ जाएगा, बिल्कुल सही 28,000 पे स्टॉक आ जाएगा। आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है। स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 48 की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट में से 4500 लेस करना है, माइनस 4500, तो प्लांट एंड मशीनरी नहीं आ जाएगी 43,500 की। ये भी मैं इधर लिख देता हूँ 43,500, राइट दोस्तों। जेड का करंट अकाउंट ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री डली है। जेड करंट अकाउंट या टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और जेड का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रिएट हुआ है। जेड का करंट अकाउंट बनेगा तो उसमें आ जाएगा टू एक्सेस कैपिटल टू वाई कैपिटल, और क्लोजिंग बैलेंस जो जेड का बचेगा वो डेबिट बैलेंस बचेगा दोस्तों। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिखेंगे। आसान शब्दों में बोलूँ तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में करंट अकाउंट आता है तो बैलेंस शीट के भी एसेट साइड के अंदर यानी राइट में। सिंपल सी बात है, लर्न करने के लिए बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं रटवा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एग्जाम में स्पीड से करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल के अगर राइट में करंट अकाउंट आता है तो बैलेंस शीट के भी राइट में आता है। तो बैलेंस शीट के राइट में मैं करंट अकाउंट मेंशन कर दूंगा, जेड्स करंट अकाउंट। ये क्यों आया, क्योंकि पार्टनरशिप के एडमिशन के इस क्वेश्चन में पार्टनर्स, नया पार्टनर अपनी प्रीमियम लेकर नहीं आ रहा था, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी था साथ में। तो जब ऐसा हो तब आपको क्या करना है कि करंट अकाउंट से प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश का एडजस्टमेंट करना है। तो 12,000 पर करंट अकाउंट का बैलेंस नए पार्टनर का आ जाएगा दोस्तों। ये 12,000 से मैंने मेंशन कर दिया। अब लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर देखते हैं क्या कुछ दे रखा है। क्रेडिटर्स दे रखा है सबसे ऊपर, और क्रेडिटर्स का अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में 31 का है, कोई भी चेंज नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स 31 पे ही आ जाएंगे। क्रेडिटर्स के बाद दे रखा है कंटिंजेंसी रिजर्व, वो मैं पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, उस पर क्लेम लगा था 6,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा 6,000 का, पूरा रिजर्व नहीं आएगा। इसके बाद और कुछ भी नहीं बचा है। कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे दोस्तों पार्टनर्स के, जो मुझे यहाँ से पता चले हैं। कंबाइंड कैपिटल मुझे पहले से ही पता है, टोटल कैपिटल जो है वो 146 की आएगी। तो आउटर कॉलम में मैं 146,000 लिख सकता हूँ, और ये जो पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी कैपिटल इनर कॉलम में फॉर्मेलिटी है वो भी मैं लिख देता हूँ। फिर बैलेंस शीट की टोटल भी करके बता दूंगा आपको। 75,000 इज फॉर एक्स, 34,500 is for Y, and 36,500 is for our incoming partner Z, जो proportionate capital ला रहे हैं, और इसी वजह से मुझे combined capital भी पता थी। 37,000 plus 146,000 balance sheet की total मेरे दोस्तों आ रही है 183,000। चलिए asset side की total भी निकाल के देखते हैं। 54,500 plus 45,000 plus 28,000 plus 43,500 plus 12,000 asset side की total भी 183 ही आ रही है और आनी भी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसके अंदर नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा था, पर वो प्रीमियम भी कैश में नहीं ला रहा था। तो हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ऐसी सिचुएशन में जो एडजस्टमेंट है वो हमें करंट अकाउंट से करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा, जल्दी से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो उतनी ही जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को शेयर करिए। चैनल पर एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोज़ भी हैं। चैनल का सब्सक्राइबर अगर आप नहीं है तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ,
अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ दैट यू हैव अ वेरी गुड डे टुडे। बाय फॉर नाउ।